राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के उस परिवार के संस्कार के रूप में सदन में भी हमने सभी को लेकर चला, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबके प्रयास का महामंत्र के द्वारा बिहार को बेहतर करने का हमने जो संकल्प लिया है उसको आगे बढ़ाया। नमस्कार, मैं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ पोर्टल से। विजय सिन्हा ने बिहार विधानसभा के स्पीकर पद से इस्तीफा दे दिया और इस्तीफा देने के बाद वो सबसे पहले पहुंचते हैं पटना के बीरचंद पटेल मार्ग पर स्थित बीजेपी कार्यालय में। और सबसे पहले उनका वो बयान सुनिए कि इस्तीफा देने के बाद जब बीजेपी कार्यालय पहुंचते हैं तो विजय सिन्हा कहते क्या? आज आ गया है, उसके बाद बीजेपी कार्यालय पहुंचे हैं, बातचीत में क्या कुछ कहेंगे? बिहार के लोकतंत्र के सबसे बड़े हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी और अपने तमाम नेतृत्व के आदेश से विधानसभा अध्यक्ष के रूप में जो जिम्मेवारी मिला उसका हमने निर्वहन किया। 20 माह तक उस मंदिर के पुजारी के रूप में जो बन सका हमने वहाँ ईमानदारी से निरपेक्ष भाव से अपने कार्य को, बिहार की धरती लोकतंत्र की जननी है उसकी सेवा में लगे रहे। 20 माह के बाद राजनीतिक परिवर्तन के बाद आज अपनी माँ की गोद में आए और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चरणों में अपने शिष्य को नवाकर इनके सानिध्य में अपने शिष्यस्थ नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कि आपने जो जिम्मेवारी दिया एक सैनिक के रूप में जो आदेश कमांडर का मिला ईमानदारी से निर्वहन किया, राष्ट्रवाद के प्रति, अपनी सांस्कृतिक विरासत के प्रति और बिहार के प्रति, सभी लोगों के प्रति जो हमारा संस्कार मिलता है परिवार से, जिस परिवार से हम सभी आते हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के उस परिवार के संस्कार के रूप में सदन में भी हमने सभी को लेकर चला, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबके प्रयास का महामंत्र के द्वारा बिहार को बेहतर करने का हमने जो संकल्प लिया है उसको आगे बढ़ाया। अपने कार्यकाल को कैसे देखते हैं आप? सारा विषय आ चुका, जनता अब है। विजय सिन्हा जो फिलहाल अंदर जो है वो मीटिंग चल रही है, अंदर एक करके कई विधायक जो हैं वो पहुंच रहे हैं और अंदर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल भी मौजूद है। देख सकते हैं कि संजय जायसवाल की जो सुरक्षाकर्मी हैं वो अभी भी बाहर मौजूद हैं और बिहार विधानसभा की कार्रवाई स्थगित होने के बाद एक करके जो बीजेपी के सभी विधायक हैं गिरुआ गमछे पहने हुए आज सबको स्ट्रैटेजी में आदेश था कि सभी लोग आज गिरुआ गमछे जो है वो पहनेंगे और सब लोग करके विधायक कल जो है वो बीजेपी दफ्तर तक पहुंच रहे हैं और प्रदेश अध्यक्ष के साथ मीटिंग है और ये मीटिंग काफ़ी अहम मानी जा रही है और विजय सिन्हा भी अंदर ही मौजूद हैं। तो कुल मिला के हैं कि आज जिस तरीके से पॉलिटिकल सिनेरियो रहा बिहार विधानसभा में स्पीकर को लेकर विजय सिन्हा ने भाषण दिया, लंबा भाषण दिया आसन से, उसके बाद आखिरी में भाषण के आखिरी में उन्होंने अपने इस्तीफे का ऐलान किया, इस्तीफा उन्होंने ले लिया। उसके बाद वो पहुंचते हैं बीजेपी कार्यालय जहां पर कई विधायक देख सकते हैं कि गाड़ियां जो हैं वो अभी भी आपको लगी, कई विधायकों की गाड़ियां जो हैं वो लगी हुई हैं, सभी विधायक जो हैं वो पहुँच चुके हैं और मीटिंग जो है वो चल रही है। मीटिंग में क्या कुछ होता है, क्या कुछ निकल के आता है, हम तमाम अपडेट्स आपको देंगे, लेकिन फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर एंड कर रहे हैं।